कैकेयी कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। कैकेयी के दो वर ने ही रामायण की कहानी को महत्वपूर्ण दिशा दी। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला कारण था राजकीय नियम। ये एक प्रशासनिक कारण था। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है। उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखित है। कैकेयी यह बात जानती थी, अतः उसने ठीक 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद राम ही सिंहासन पर बैठे। इसी प्रकार द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी। दूसरा कारण था व्यवहार परिवर्तन। 14 वर्ष वनवास मांगने का कारण उस समय की ये मान्यता थी कि 14 वर्ष तक एक सा जीवन काल जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, इसका अर्थ है दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों की खाल पहनने और बालों को जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगेंगे। कैकेयी और मंथरा ने यही सोच विचार कर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, क्योंकि इससे भरत का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित हो जाता। तीसरा कारण था राजा दशरथ से बदला। राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श से लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह बात कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली। कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी थी, लेकिन उन्हें ये बात मंथरा से मालूम चली। इसी बात का बदला लेने के लिए कैकेयी ने उन 14 दिन को हर दिन 1 वर्ष मानकर 14 साल का वनवास राम के लिए मांगा।